Hey good people, this is Ashish Kapoor and welcome back to another video. So before moving any further ahead, yaar dekho please jaake channel ko subscribe kar do because we are very close to 1000k. Main pichle video mein bhi bola tha, mujhe laga tha ye video dalte dalte tak 1000 pahunch jayenge, but theek hai, koi nahi. इंतज़ार का फल मीठा होता है तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं. मोर थिंग आई वॉन्ट टू मैंशन कि ये वीडियो सबके लिए होने वाला है क्योंकि यार देखो जो कोडिंग जो चीज़ है ना वो हर कोई सीख सकता है, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो चाहे आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से हो, वो मैटर नहीं करता. इट्स जस्ट अगर आप में लर्निंग की झील है तो आप वो चीज़ सीख सकते हो. तो अगर आप ये सोच के जा रहे हो कि मैं दूसरे बैकग्राउंड से हूँ सो ट्रस्ट मी हो सकता है कि आपका लॉस हो जाए. तो देखो अगर टाइम आपका वेस्ट हो ही रहा है सो वाई नॉट टू लर्न ए न्यू स्किल बिकॉज दिस स्किल ट्रस्ट मी इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन डिमांड एंड मे बी आप इस वीडियो के बाद सच में कुछ सीखना स्टार्ट कर दें. सो डिस्कस कर लेते हैं कि हम ये वीडियो में करने क्या वाले हैं. तो यार देखो बात ऐसी है कि अभी चल रहा है लॉकडाउन और अच्छे से बोलो तो लॉकडाउन 4.0, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स घर पे बैठे हैं. आप सभी घर पे बैठ के ये वीडियो देख रहे हो तो जाहिर सी बात है आप फ्री ही हो गए तभी ये वीडियो देख रहे हो. आधे से ज़्यादा लोग तो बोर हो रहे होंगे और आधे से ज़्यादा लोग सोच रहे होंगे कि यार मुझे कुछ कर लेना चाहिए, मुझे ये टाइम यूटिलाइज कर लेना चाहिए, क्यों मैं ये टाइम वेस्ट कर रहा हूँ. लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा कैसे टाइम यूटिलाइज करें तो करें कैसे. दैट्स द रीज़न वाई आई एम क्रिएटिंग दिस वीडियो. द होल पॉइंट ऑफ दिस वीडियो इज टू गिव यू गाइज सम रिसोर्सेज विच विल हेल्प यू टू यूटिलाइज दिस लॉकडाउन एंड विल हेल्प यू आउट टू कम आउट एज अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ आफ्टर दिस लॉकडाउन. सो ओके सो विद दैट सेड लेट मी डायरेक्टली टेक यू टू माई कंप्यूटर स्क्रीन एंड प्रैक्टिकली देख लेते हैं सब कैसे कैसे क्या होने वाला है. सो चलो आशे वी गॉट द पॉइंट. हमको समझ में आ रहा है कि ये कोर्सेज करने के बाद हम बहुत ज़्यादा स्किलफुल हो जाएंगे एंड काफ़ी कुछ कर सकेंगे, लेकिन एग्जैक्टली बताओ तो सही कि क्या कर सकेंगे. तो गाइस देखो फुल स्टैक डेवलपर एक वेबसाइट अच्छी बना सकता है, वेब एप्लीकेशन बना सकता है, इसके अलावा वो बैकएंड पे वर्क कर सकता है, वो मोबाइल एप्लीकेशन बना सकता है किसी भी तरह के, वो बेसिकली कोई भी टाइप का सॉफ्टवेयर या ऐप आराम से बना सकता है. तो अब आप सोच रहे होंगे चलो ठीक है हम ये सब बना पाएंगे दैट्स कूल, बट फ़ायदे की बात तो बताओ. तो चलो फ़ायदे की बात भी देख ही लेते हैं. तो लेट्स से हम गूगल कर लेते हैं फुल स्टैक वेब डेवलपर की सैलरी, फुल स्टैक डेवलपर सैलरी इन इंडिया. सो लेट्स ट्राई टू गूगल इट एंड इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो चलो कोई अच्छी रेप्यूटेड वेबसाइट देख लेते हैं. सो ग्लास डोर इज़ वन ऑफ द रेप्यूटेड वेबसाइट, लेट्स ट्राई दिस वन. सो इसके अकॉर्डिंग एवरेज बेस सैलरी है इंडिया में अराउंड 6.6 लाख, सो विच इज़ अ वेरी गुड सैलरी. चलो इसके अलावा कोई और वेबसाइट में चेक कर लेते हैं. लेट्स ट्राई फॉर अनदर ट्रस्टेबल वेबसाइट, indeed.co.in इज ऑल्सो वन सच गुड वेबसाइट. सो इट्स से 6.23 लाख पर एनम. तो आप समझ लो कि आप एक स्किल से, सिर्फ एक स्किल से आप इतना अर्न कर सकते हो. तो 4 साल की इंजीनियरिंग में जब आप दुनिया भर की स्किल सीख रहे होगे तो बाद में आपको कितना मिल सकता है. सो या सो दिस वॉज ऑल अबाउट द गोल. अब देख लेते हैं कि ठीक है हमको समझ में आ गया कि हम कितना कमा सकते हैं, हमको समझ में आ गया कि इसके बाद हम क्या क्या कर पाएंगे. लेकिन भाई ये तो बताओ कि सीखे कैसे. तो सीखने के लिए मैं आपको बेस्ट रिसोर्सेज बताता हूँ अभी. सो इन ऑर्डर टू लर्न वेब फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट आपको बस ये करना है कि आप गूगल पे जाओ, सर्च कर लो freecodecamp.org, ये वेबसाइट पे जाओ. ये वेबसाइट पे जाते ही आपको ये वाली एक पोर्टल खुल जाएगा. ये पोर्टल बहुत ज़्यादा ट्रस्टेबल है, मैंने भी इससे एक आध कोर्स कर रखा है. सो पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, फ्री है फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा करने के बाद, उस सर्टिफिकेट की वैल्यू है. सो चलो आगे देखते हैं. सो ऑल यू गॉट टू डू इज साइन इन करना है. साइन इन ना भी करना चाहें तो अगर आपको अपनी प्रोग्रेस सेव नहीं करनी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होता है. लेट्स से देयर आर मेनी सर्टिफिकेशन अवेलेबल हियर, वन रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, जावास्क्रिप्ट, फ्रंट एंड, डेटा विजुअलाइजेशन, API, माइक्रो सर्विसेज एंड वॉट नॉट. इसके अलावा कोडिंग इंटरव्यूज की प्रेप भी करवा दें ये. तो आपको बस ये करना है कि आपको बस एनी वन ऑफ द सर्टिफिकेशन सेलेक्ट करना है. आई वुड रिकमेंड कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग से ट्राई करें. जैसे आपने ये ट्राई किया तो लेट्स गो विद दिस वन. सो आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे. ऑल यू गॉट टू डू इज ओपन दिस चैलेंज. पहले आपको पूरी इन्फो दी जाएगी कैसे कैसे क्या होता है. फिर लेट्स से आप गो टू फर्स्ट लेसन में जाते हैं तो आपके बाद आपके सामने एक टास्क आ चुका है. ये टास्क आपको यहाँ पे परफॉर्म करना है और इसका आउटपुट आपको यहाँ दिखेगा. इनकेस आपको समझ नहीं आ रहा कैसे होगा क्या होगा तो आप यहाँ से गेट हेल्प पर जा सकते हैं. इस पर आप अपना वीडियो देख सकते हैं, आपको हिंट मिल जाएगी तो आप समझ लोगे. इट्स वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू लर्न वेब डेवलपमेंट स्किल्स. इसमें आपको सारा HTML से लेके बैक एंड तक, डेटा विजुअलाइजेशन तक सारी चीज़ें ही सिखा दी गई है. तो अराउंड आई गेस 3 मंथ्स का टाइम लगेगा, बट देन आप एक अच्छे फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सकते हैं.
इसके अलावा द नेक्स्ट सोर्स विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस इज दिस, जस्ट गो टू दिस वेबसाइट द ओडिन प्रोजेक्ट डॉट कॉम. दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू फ्री कोड कैम्प, बट सम पीपल बिलीव दैट द ओडिन प्रोजेक्ट इज बेटर देन फ्री कोड कैम्प. सम पीपल बिलीव फ्री कोड कैम्प इज बेटर. द देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू. लेट मी जस्ट टेल यू वॉट द डिफरेंस इज. सो अगर आप ओडिन प्रोजेक्ट से फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीखते हैं तो लेट्स ट्राई क्या होता है. तो फुल मैंने व्यू फुल करिकुलम दिया. द फर्स्ट थिंग इट आस्क इज आपको फुल स्टैक डेवलपमेंट रूबी ऑन रेल से सीखना है या जावास्क्रिप्ट से सीखना है. तो ये दोनों डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है. आप जो भी चाहे सेलेक्ट कर सकते हो. मेरे दोनों की अपनी अच्छी दोनों की अच्छी वैल्यू है. अगर आप कोई भी अगर आप पहले से थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट में कंफर्टेबल है तो जावास्क्रिप्ट में चले जाओ. थोड़ा सा अगर आपको रूबी ऑन रेल्स आता है तो रूबी ऑन रेल्स में चले जाओ. अगर आप बिल्कुल ही नए हो तो यार कोई भी कर सकते हो. बट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी जावास्क्रिप्ट इज मच मोर पॉपुलर देन रूबी ऑन रेल्स एज फार एज आई नो. सो आप इसमें चूज कर सकते हैं. लेट्स सी अगर हम जावास्क्रिप्ट के साथ वेब डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो ओके. सो दी अगेन वेब डेवलपमेंट 101 एक बेसिक सा कोर्स है वो आप सीख सकते हैं यहाँ से. जावास्क्रिप्ट है, देन उसके बाद HTML, CSS, Node.js और उसके बाद जब आपका सर्टिफिकेशन हो गया तो लेट्स गेटिंग हायर. सो आई गेस इसके अंदर जॉब इंटरव्यू वगैरह की क्वेश्चंस होंगे, प्रिपरेशंस होंगे और वो सारी चीज़ों के लिए ही है. तो चलो हमने दो प्लेटफॉर्म देख लिए, फ्री कोड कैंप देख लिया, द ओडिन प्रोजेक्ट देख लिया. ये दोनों ही प्लेटफॉर्म एकदम फ्री है. आप जाओ यूज़ करो. फ्री कोड कैंप में आपको बहुत अच्छा सर्टिफिकेशन भी मिलेगा जिसको आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल या अपनी CV में यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा द नेक्स्ट प्लेटफॉर्म विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस इज द फेमस मोस्ट फेमस प्लेटफॉर्म, दैट इज YouTube. यस, YouTube हैज़ अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. ट्रस्ट मी गाइज, आपको बस यहाँ पे फ्री वेब डेवलपमेंट ट्यूटोरियल लिखना है एंड आप बिलीव नहीं करोगे कि आपके पास टन्स एंड टन्स ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल है. आपको पता ही नहीं था. आप बस यहाँ पे जाओ, आपको जो भी स्किल सीखनी है, जो भी टॉपिक सीखना है, आप यहाँ से सीख सकते हो. द ओनली डाउन साइड ऑफ यूट्यूब इज आपको कोई सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा. तो हो सकता है आप वो अपने CV में ना लगा पाएं, बट देन क्या पता आप यूट्यूब से सीख के इतना सीख गए कि आपने खुद की 3-4 ऐप्स ऐसे बना लिए कि आप उसको अपने पोर्टफोलियो में डाल सको. सो यूट्यूब से सीखना भी मैं बहुत रिकमेंड करता हूँ. मैं खुद यूट्यूब यूज़ करता हूँ. तो आप अगर चाहें तो यूट्यूब से भी कुछ भी सीख सकते हैं. नॉट ओनली वेब डेवलपमेंट ऑफ फुल स्टैक, एनीथिंग. सो ये तो हुए फ्री रिसोर्सेज की बात. ये सारे रिसोर्सेज बिल्कुल फ्री थे. आप बिल्कुल जाओ इन पे चेकआउट करो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे उस पे चालू करो. लेकिन चालू कर दो, बिकॉज यार ये जो टाइम है ना, प्लीज़ इसको वेस्ट मत करो. यूटिलाइज करो इसको. तभी आप जब बाहर निकलोगे ना, यू विल फील लाइक ओके, मैंने कुछ तो अचीव किया इस लॉकडाउन में. जब सारी दुनिया खाली बैठी हुई थी, कुछ नहीं कर रही थी, तो मैंने उस टाइम कुछ कर लिया. चलो तो ये तो रहे फ्री कोड कैंप और द ओडिन प्रोजेक्ट की बात. ये दोनों रिसोर्सेज में एक सिमिलैरिटी थी कि दोनों ही फ्री थे. अब तो ये तो बात रही फ्री कोर्सेज की बात. यहाँ से आप फ्री में फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं. बट देन यार कुछ लोग ऐसे होते हैं कि यार ठीक है फ्री में नहीं सीखना, हमें थोड़े से पैसे लगा दो लेकिन हमको क्वालिटी बहुत अच्छी चाहिए. मैं ये नहीं कहूँगा कि इन तीनों में क्वालिटी नहीं थी, बट देन आई रिकमेंड वन कोर्स विच इज दिस कोर्स ओवर हियर. इसके लिंक मैं नीचे दे दूंगा. इट सेज द कंप्लीट 2020 वेब डेवलपमेंट बूट कैंप. आई पर्सनली प्रेफर दिस कोर्स. यार दिस कोर्स, इस कोर्स का प्राइस एट प्रेजेंट 700 है, बट देन ये ऊपर नीचे होता रहता है. तो आपको जब भी ठीक लगे आप ये ले सकते हैं. द रीजन वाई आई एम सजेस्टिंग यू दिस कोर्स, इवन आई हैव स्टडीड फ्रॉम दिस इंस्ट्रक्टर. शी इज अमेजिंग, ट्रस्ट मी. द वे शी एक्सप्लेन्स थिंग्स इज वेरी क्लियर. इवन इफ यू आर अ बिगिनर, इवन इफ आपका पहला कोर्स है ये कंप्यूटर साइंस की दुनिया में, तो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा. और द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज आपको कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है. नो नीड ऑफ सर्चिंग ओवर द वेब, नो नीड ऑफ सर्चिंग ओवर द यूट्यूब. ऑल यू आर डू इज जस्ट परचेज दिस कोर्स एंड इसमें फिर वही सब बहुत सारी चीज़ें होंगी. इसमें फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट होगा, HTML, CSS, Bootstrap, वेब डिज़ाइन, JavaScript, इंटरमीडिएट एंड 25 मोर सेक्शंस के अंदर डेटाबेस. बेसिकली ये 50-55 घंटे का कोर्स होगा, लेकिन इसमें एवरी सिंगल थिंग होगी. आप सोचो 700 रुपये अगर आप आज खर्चा कर रहे हो ना, हो सकता है कल आपको ये एटलीस्ट 70,000 पर मंथ तो दिला ही सकते हैं. तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन होगा अगर आपको चाहिए तो. ऑल दो दिस वीडियो इज नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड, मैं फिर से बोल देता हूँ, ये मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है. अगर आपको फ्री कोर्सेज के साथ जाना चाहे तो भी आप बिल्कुल जा सकते हो, सीखने को आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा. बट देन दिस इज जस्ट टू गिव यू एन ऑल्टरनेटिव. वेल सो दैट वॉज ऑल अबाउट द वीडियो गाइज. आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. अब आपको सिर्फ ये करना है कि ये वीडियो के खत्म होने के बाद आपको ये प्लेटफॉर्म चेक करने हैं एंड मेक श्योर कि आज नहीं तो कल से ही सही, लेकिन एटलीस्ट अपने दिन में 2-3 घंटे निकालें एंड डेली इन स्किल्स पे काम करें. क्योंकि यार लॉकडाउन है, सबके पास टाइम है, मैं भी फ्री हूँ, मैं भी कुछ कुछ सीख रहा हूँ. तो यार आप लोग भी कुछ सीख लो ना.
ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कॉलेज जाके बोल रहे हो यार मुझे कुछ नहीं आता, मैं आज सीखने आया हूँ। क्योंकि यार पता है लॉकडाउन के बाद जो कॉलेज खुलेंगे ना उसमें ऑलरेडी लोग बहुत कुछ सीख के आ रहे होंगे, तो आप क्यों पीछे रहोगे? इसलिए आप जाओ ये सारी चीज़ें सीखो, एंड हैप्पी लर्निंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।